आज के दिन का प्रारंभ का समय आनंद प्रमोद में बीतेगा। शारीरिक और मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। मध्याह्न के बाद नए कार्य का प्रारंभ न करने की गणेश जी सलाह देते हैं। वृषभ, व्यवसायी जनों को यश और सफलता मिलेगी। सहकर्मचारियों का पूर्ण सहकार आपको मिल पाएगा। आर्थिक लाभ भी होगा। प्रतिस्पर्धियों को आश्चर्य होगा। मिथुन, आज का आपका दिन बौद्धिक कार्य और चर्चा में बीतेगा। आप अपनी कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति को कार्य में जोड़ देंगे। कर्क, हताशा मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाएगी, जिसके कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। सिंह, आज छोटा प्रवास होगा, ऐसा संकेत गणेश जी देते हैं। विदेश वासियों को अच्छे समाचार मिलेंगे। धन लाभ होगा। नए कार्य के लिए अच्छा समय है। कन्या, अपने मन की दुविधा युक्त स्थिति को ध्यान में रखकर नए कार्य का प्रारंभ न करने की गणेश जी सलाह देते हैं। वाणी पर संयम न रहेगा तो मन दुख के प्रसंग उपस्थित होंगे। तुला, गणेश जी कहते हैं कि आज की कलात्मक और सृजनात्मक शक्ति में बहुत निर्धार पूर्वक निखार आएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे। वृश्चिक, आपका उग्र और असंयमित व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है। संबंधियों के साथ सहसा कोई अनिष्ट घटना बन सकती है। धनु, व्यवसायिक क्षेत्र में आज आपके लिए लाभकारी दिन है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। परिवार जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। कार्य में पदोन्नति होगी। मकर, आज का दिन गृहस्थ जीवन की दृष्टि से आनंदमय रहेगा। परिवार जनों के साथ आनंद का वातावरण बना रहेगा। व्यवसाय में पदोन्नति के योग है। आज के दिन बौद्धिक कार्य, नवसर्जन और लेखन प्रवृत्ति में आप उलझे रहेंगे। नए कार्य का आज से प्रारंभ कर सकते हैं। मीन, गणेश जी आज आपको वाणी और वर्तन को संयमित रखने की सलाह देते हैं। हित शत्रुओं से सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।